डियर लर्नर्स, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है, ठीक है। आज हमने उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को भी प्रूव करना है कि उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है। आप डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमने ईएमएफ और टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल किया गया है। देखिए फर्स्ट डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, आपको बताया था ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। इनके सेम केस है, यहाँ पे क्या है, सर्किट ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। अगर सर्किट ओपन हो तो आपको पता है कौन सा होता है, ईएमएफ वहाँ पे होती है, ठीक है। अगर क्लोज है तो यहाँ पे वी क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये तो आपको डिफरेंस से ही क्लियर था, ठीक है। अब ये आप ये टर्म लिखने जा रहा हूँ, ये टर्म आप बताएंगे कहाँ से आया, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, कहाँ से आया। अब क्या है, जब ये क्लोज है तो करंट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल नहीं है, ये आपस में सीरीज में लगी है। तो क्या है, आर प्लस आर, ई स्टैंड फॉर ई एम एफ, आई स्टैंड फॉर क्या होता है करंट, बाई यूजिंग ओम ला भी आप कर सकते हो, वी इज इक्वल टू आई आर, उससे भी ये एक्सप्रेशन या इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, आई आर प्लस हमारे पास क्या है, आई स्मॉल आर इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर टू बढ़ता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर क्या चीज है आपको पता है, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर क्या चीज है, V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास क्या चीज है, ओम ला। तो क्या देगा, V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, ई क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई माइनस आई आर, इक्वेशन नंबर थ्री। इस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, पता चल रहा है कि भाई जो ई एम एफ है, टीपीटी की वैल्यू क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई से कम है, इसी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, ठीक है। फर्दर मैं क्या करता हूँ, अब दो यहाँ पर डायग्राम है, पहले सर्किट ओपन है, एक बार सर्किट क्या है क्लोज है। भाई जब सर्किट हमारे पास ओपन रहेगा तो उस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया, बिकॉज क्या है, सर्किट ओपन के होने के कारण क्या है, आई की वैल्यू जीरो है, जब इस इक्वेशन में पुट करी तो वी इज इक्वल टू ई आ गया, ठीक है। अब यही इक्वेशन को मैं ओम लॉ से ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मुझे अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, डिटर्मिनेशन करनी है, वी इज इक्वल टू आई आर, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, ये कहाँ से आया, अगेन बाई यूजिंग ओम लॉ। तो क्या आता है, वी इज इक्वल टू ई आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय आर, कर सकते हैं इसे, अगेन कहाँ से आया, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, वी आर प्लस वी स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस वी आर को इधर रहने देता हूँ और यहाँ पे ले जाता हूँ ई आर माइनस ऑफ वी आर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव करना है, मैंने वी आर इज इक्वल टू कॉमन, क्या कॉमन टर्म क्या है, इनमें से आर कॉमन है, अंदर क्या है ई माइनस वी, मैं क्या करता हूँ स्मॉल आर आर वी नीचे ले जाता हूँ, ई माइनस वी अपॉन वी कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल आर क्या आएगा, आर बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, ई अपॉन वी माइनस वन, क्या आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस वन। ये क्या चीज है, एक्सप्रेशन है किसका, स्मॉल आर क्या चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसका हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। आप अनदर वर्ड में भी ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी, टीपीडी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसमें हमारे पास और इंटरनल रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस आर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, बिल्कुल आसान सा एक्सप्रेशन है। याद रखें बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंटिन्यूस में ये लास्ट 3 या 5 ईयर्स में एग्जाम में आ रहे हैं, और इट विल कैरी 3 मार्क्स, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ ओम लॉ के बारे में बताना चाहिए, डायग्राम के बारे में बताना चाहिए और वैल्यूज को पुट करेंगे, आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके हैंडआउट्स भी मैं आपको रिटर्न हैंडआउट्स भी भेज देता हूँ बच्चों, इन केस आपको कोई डिस्क्रिपेंसी या प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इस चैप्टर का अलग पार्ट शुरू हो रहा है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो किरचॉफ्स का, उसके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।